नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। कुछ लोगों को सालों तक ढूंढने और इंतजार करने के बाद भी जीवन साथी नहीं मिलता है, तो कुछ लोगों को घंटों के सफर में हम सफर मिल जाता है। वे अपने सहयात्री के ही प्यार में पड़ जाते हैं और उसे जिंदगी भर का साथी बना लेते हैं। हस्त रेखा के मुताबिक इन स्थितियों के लिए हाथ की रेखा भी जिम्मेदार होती है। आज शादी से जुड़े ऐसे ही संयोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनके बारे में हस्त रेखा शास्त्र में पता चल जाता है। कई लोगों के हाथ में यात्रा से जुड़े शादी के योग भी बनते हैं, यानी ऐसे लोग जो यात्राओं के दौरान ही किसी को दिल दे बैठते हैं। वही हाथ की रेखा यात्रा से जुड़े अन्य शुभ अशुभ संकेत भी देती है। जैसे जिन लोगों के हाथ में चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल कर बुध पर्वत तक जाए तो उसे यात्रा में अचानक धन लाभ होता है। जिन जातकों के हाथ में चंद्र पर्वत से निकली यात्रा रेखा हथेली के मध्य से ही मुड़कर वापस चंद्र पर्वत पर ही लौट आए तो ऐसा व्यक्ति अपने काम के लिए विदेश तो जाता है लेकिन वापस भी लौट आता है। चंद्र पर्वत से रेखा निकाल कर गुरु पर्वत तक जाए तो व्यक्ति के विदेश में बसने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे लोग विदेश में ही शादी रचा लेते हैं। ऐसे जातक जिनके हाथ में चंद्र पर्वत से निकली रेखा हृदय रेखा तक जाए तो व्यक्ति को यात्रा में ही अपना जीवन साथी मिल जाता है। ऐसे लोगों को अपना प्यार यात्रा के दौरान ही मिल जाता है। यदि चंद्र और शुक्र पर्वत उभरे हुए हो तो जीवन रेखा पूरे शुक्र क्षेत्र को घेर कर शुक्र पर्वत के मूल तक जाए तो ऐसे लोग ढेर सारी यात्राएँ करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।